स्वागत है। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। 1 लाख का सागवन जब्त। नवेगांव बांध राष्ट्रीय उद्यान में 31 जुलाई को खोबा दो बीट में अवैध सागवन की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग के अधिकारियों ने रंगे हाथों पकड़ा, जबकि अन्य 4 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। सभी आरोपियों पर भारतीय वन कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के पास से सागवन के लट्ठे एवं चिरान मिलाकर 1 लाख रुपयों का माल जब्त किया गया है। सभी आरोपी खोबा हल्बी निवासी बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को तड़के 3 बजे के दौरान राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जाल बिछाकर सागवन के पेड़ों के लट्ठे की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा, जबकि 4 आरोपी फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों के नाम खोबा हल्बी निवासी मधुकर केवल राम धानगाए 40 साल, राजकुमार माधवराव पर्वते 40 साल, सीताराम लामका से 45 बताए गए हैं, जबकि फरार आरोपियों में लीलाधर सोनवाने, शांतिराम वंजारी, धनंजय रामटेके, भास्कर काबगाते का समावेश है। खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार।